जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर माता पिता अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने पुत्रों के नाम पर ट्रांसफर करते हैं या फिर अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों को दे देते हैं, तो इसके कई सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि वो अपने बच्चों को गिफ्ट डीड के भी माध्यम से दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, इसमें बंटवारा करा सकते हैं, पार्टीशन के माध्यम से भी अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना सकते हैं या बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। चाहे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, मैटर नहीं करता है। अगर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी का अपने पुत्रों को देना चाहें, पुत्रों के बीच में डिवाइड करना चाहें या फिर पुत्रों को सौंपना चाहें, हस्तांतरित करना चाहें, तो इसके कई सारे रास्ते वो अपने जीते जी कर सकते हैं। जैसा कि पहला आपको बताया कि वो गिफ्ट डीड के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा वो आपको कर सकते हैं पार्टीशन के माध्यम से, तीसरा वो अपने बच्चों के नाम पर करा सकते हैं तो रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से भी करा सकते हैं। अगर वो कराना चाहें तो वो वसीयत भी लिख सकते हैं, विल भी बना सकते हैं, दान पत्र के भी माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनका यूज करके वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पुत्रों के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन अगर सडनली माता पिता की डेथ हो जाती है, चाहे वो पिता की हो या माता की हो, या सपोज करिए दोनों की हो, दोनों में से अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, या दोनों के नाम पर अगर प्रॉपर्टी है, दोनों की डेथ हो जाती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की कंडीशन खड़ी हो सकती है, तो ऐसे में पुत्रों के लिए ये बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है कि आखिर वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस बात का ठोस सबूत होना चाहिए कि वो इसके लीगल हेयर या फर्स्ट क्लास के हेयर्स हैं। अगर वो पहले उत्तराधिकारी हैं तो ही प्रॉपर्टी को उनके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए कानूनी रूप से कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए जो कि इस बात को सर्टिफाइड करे कि हाँ, ये बच्चे उन्हीं के हैं और इस प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है। तो माता पिता की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी पे पुत्रों को अपना हक पाने के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर सडनली माता पिता की डेथ हो जाए या फिर माता पिता की प्रॉपर्टी आपको दिए बिना या फिर किसी बिना वसीयत के, बिना गिफ्ट डीड के, बिना गिफ्ट डीड या फिर बिना सेल डीड के अगर माता पिता की डेथ हो जाती है, तो पुत्र अपना अधिकार कैसे माता पिता की प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो पे आपको ए टू जेड कंप्लीट प्रोसीजर पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि चाहे प्रॉपर्टी का टाइप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर प्रॉपर्टी एक स्वार्जित संपत्ति हो, ये मैटर नहीं करता है। किसी भी प्रॉपर्टी ओनर की डेथ होने के बाद, चाहे वो प्रॉपर्टी स्वार्जित संपत्ति या खुद की कमाई हुई मेहनत की है या फिर विरासत में मिली कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है प्रॉपर्टी ओनर की, तो उसके जितने भी लीगल हेयर होते हैं, जो भी उसके बच्चे और उसकी पत्नी होती हैं, जो बच्चे बच्चे और पत्नी होती हैं, वो उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी कहलाते हैं और उन सब का उस प्रॉपर्टी पे अधिकार बन जाता है। लेकिन इसके लिए उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि मरने वाला या प्रॉपर्टी ओनर उसका पिता है। इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रोसीजर क्या करना है कि आपको अपने अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय में प्रॉपर्टी डेड म्यूटेशन का एप्लीकेशन करना है। प्रॉपर्टी डेड म्यूटेशन की प्रोसेस हर एक स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन इसका किया जाना और इसकी जो वर्क फ्लो होता है वो लगभग सेम होता है। कई जगह कई स्टेट में एक सामाजिक तौर पे, एक सामाजिक पंचनामा के आधार पर और एक मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ये प्रूफ हो जाता है कि जो भी फौती नामांतरण या फिर डेड म्यूटेशन की एप्लीकेशन कर रहा है वो इसका लड़का है और इसके लीगल हेयर है। इसके बाद पटवारी और लेखपाल की जो रिपोर्ट लगती है, तो उससे ये क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी के लिए डेड म्यूटेशन की एप्लीकेशन कर रहा है, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, वो इसके फर्स्ट लीगल क्लास या फर्स्ट क्लास के हेयर है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है और वहाँ पर उसका नाम हटा के उसके बच्चों का नाम, उसकी पत्नी का नाम दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन कई स्टेट में क्या होता है कि इसके लिए आपको वहाँ पर अगर जैसे तहसील ऑफिस में एप्लीकेशन करते हैं या फिर आप अपने अंचल कार्यालय में एप्लीकेशन करते हैं डेड म्यूटेशन के लिए, तो इसमें आपको देना पड़ता है एक कानूनी डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि जिसके नाम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बना है, जिसने जारी कराया है अपने लिए उत्तराधिकार, मरने वाला उसका फर्स्ट, ये मरने वाले का फर्स्ट क्लास का उत्तराधिकारी है। अगर आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो उससे आप कई जगह पर रख सकते हैं और कई जगह पर अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में अपना कानूनी अधिकार, कानूनी वारिसाना अधिकार सिद्ध कर सकते हैं।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा सा कर रहा हूँ इसके बारे में, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में कैसे आप बनाएंगे। इसके लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन करना होता है, आप अपने सिविल कोर्ट में या फिर उससे हाई लेवल की कोर्ट में भी जाकर और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहां से एप्लीकेशन करने के बाद एक इश्तेहार जारी किया जाता है कि इस आदमी की मृत्यु के बाद इस पे अपना कानूनी उत्तराधिकार बनने का सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है। अगर इसमें कोई फर्जी काम करता है तो जो भी उसके लीगल उत्तराधिकारी होते हैं इसके एक्शन लेके और उसे खारिज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल हेयर हैं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो इसमें फिर कोई भी आपत्ति नहीं होती है। तो इसकी 15 दिन से एक महीने का टाइम होता है और आपका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाता है। एक बार सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आप डेड म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपके पिताजी की या माताजी की डेथ बिना आपकी वसीयत के, बिना गिफ्ट डीड के, बिना प्रॉपर्टी पार्टीशन के हो गई है तो उसी अपने नाम पर उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर लाने के लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको अंचल कार्यालय, तहसील कार्यालय में अपने जाकर एक तहसीलदार को एप्लीकेशन देना है फौती नामांतरण या डेड म्यूटेशन का। उस डेड म्यूटेशन के साथ आप इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे और उस एप्लीकेशन में सारे उसके फर्स्ट क्लास के लीगल हेयर जो कि मरने वाले की पत्नी या फिर उनके बच्चे और उनकी बच्चियां, इन तीनों का नाम, सभी का नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा और उस एप्लीकेशन को आपको तहसील ऑफिस में जमा कर देना है। इसके बाद मरने वाले की प्रॉपर्टी में उसके सभी लीगल फर्स्ट क्लास हेयर्स का नाम आ जाता है और उनके उत्तराधिकारी वो बन जाते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से अगर आपके माता पिता की सडन डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी पे उनके बच्चों का अधिकार कैसे उनके बच्चों को मिल सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए जय हिंद।